नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। जियोलॉजिस्ट ने धरती के इतिहास को बांट रखा है ताकि समझने में आसानी हो, क्लासिफिकेशन करने में आसानी हो। अब इसको समझने के लिए धरती का इतिहास हमने किस तरीके से बांट रखा है ये समझ लेते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार हमारी पृथ्वी की उम्र लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स है। इसका पता हमें चट्टानों के परतों का साइंटिफिक एनालिसिस करने पर पता चलता है। अर्थ शुरू में गैसियस थी, गर्म थी और तरल अवस्था में थी। उस समय चट्टानों का न निर्माण हुआ था, न वनस्पतियां थी, न जीव थे और न रॉक्स थे। इसलिए इसकी हिस्ट्री शुरू होती है जब से अर्थ क्रस्ट का निर्माण हुआ और अर्थ क्रस्ट सॉलिडिफाइड हुई। तब से हमको रॉक्स के एग्जिस्टेंस का पता लगा और हम इनकी स्टडी शुरू कर दिए। हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री का आधार चट्टानों के अंदर मिलने वाले जीवों का, जीव अवशेषों का और वनस्पतियों को आधार मानते हैं। इसलिए इसको कई नाम से जाना जाता है। जैसे आइए हम देखते हैं कि हमारे पृथ्वी के पूरे इतिहास में मेन होगी चट्टानें और होंगे जीवाश्म, और उस जीवाश्म का स्टडीज कैसे किया जाता है, कार्बन डेटिंग के आधार पर, ऑर्गन विधि के आधार पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। अर्थ के मिलियंस ऑफ ईयर्स के जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझने के लिए हम GTS यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल रिफर करते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल मतलब इस प्लेनेट में जो भी भौगोलिक स्थितियां रही है हमेशा से या पास्ट टाइम में, जो जो समय समय पर भौगोलिक बदलाव होते रहे हैं, जियोलॉजिकल चेंजेस होते रहे हैं, जब हम उन सभी इवेंट्स को किसी टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, समराइज करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग ए डिफरेंट टाइम स्केल्स, तो उसी समराइज्ड डेटा को जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहा जाता है। हम लोग इसकी हिस्ट्री नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि हम जब पृथ्वी पर किसी भी चट्टान की खुदाई करते हैं तो हमको सतह पर लेटेस्ट रॉक्स, सबसे नवीनतम चट्टानें मिलेंगी। लेकिन जैसे जैसे नीचे खोदते जाएंगे चट्टानें पुरानी होगी। पहले पृथ्वी गर्म अवस्था में थी, गैसियस थी, लेकिन ठंडी हो रही थी और ठंडी हो करके रॉक्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया था। और इस समय जीवों का विकास नहीं हुआ था और इसको आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक कहा जाता था और इसको प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं, क्योंकि
इस समय कैम्ब्रियन अभी शुरू नहीं हुआ था। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में पृथ्वी ठंडी हुई तो कुछ उसमें पृथ्वी की चट्टानें ठोस हुई, इसलिए चट्टान और टोपोग्राफी का बनना शुरू हो गया। जियोलॉजिकल हिस्ट्री में हम जीवों का भी अध्ययन करेंगे और जीवों पर जो फॉसिल्स बने हैं, दबे हैं, उनके आधार पर हम टाइम डिसाइड करेंगे। इतने लंबे टाइम इंटरवल में पूर्व में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी होती है जिसका एविडेंस अवशेषों के रूप में इन्हीं पत्थरों में हमें कहीं छुपी हुई मिल जाती है। जैसे डायनासोर का पृथ्वी में होना और विलुप्त होने का कारण एंड सो ऑन। पूर्व में घटित ऐसी सारी घटनाओं का पता होना हमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए पास्ट का पता होना चाहिए, ताकि अगर भविष्य में कहीं इसका रिपीटेशन हो तो हम उस सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार रहें। आखिर अब तक के इस लंबे पृथ्वी के उम्र को जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनेकों डिवीजन एंड सब डिवीजन में विभाजित कर दिया गया और प्रत्येक डिवीजन और सब डिवीजन अपने आप में एक विशाल भौगोलिक और जैविक इतिहास समेटे हुए हैं। चलिए मोटे तौर पर हम थोड़ा भूवैज्ञानिक समय पैमान अर्थात जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझने की कोशिश करते हैं। अब तक के आंके गए पृथ्वी के उम्र को वैज्ञानिकों ने 5 खंड में बांटा है। प्रथम खंड को हम इयोन के नाम से जानते हैं, द्वितीय को एरा के नाम से जाना जाता है, तृतीय को पीरियड कह लीजिए, चतुर्थ को इपॉक के नाम से जाना जाता है और पांचवे को एज नाम से जाना जाता है। आगे इन डिवीजन को बहुत सारे सब डिवीजन में भी डिवाइड किया गया है और मुख्य रूप से किस डिवीजन के किस सब डिवीजन में क्या विशेष घटना घटित हुई है, इसे आप इस जीटीएस को देखकर समझ सकते हैं। छोटे जीवाणु पृथ्वी में लगभग आरंभ से ही थे। कीड़े मकोड़े कैम्ब्रियन अवधि में आए। कार्बोनिफेरस काल में जीवों का विकास हो गया था। विकास ही नहीं हुआ था, विनाश भी हो गया था और विनाश का परिणाम रहा कि कार्बोनिफेरस काल में ही कोयले का निर्माण हुआ है। डायनासोर जुरासिक अवधि में फले फूले और मनुष्य का रूप क्वाटर्नरी अवधि में असल रूप से विकसित होना आरंभ हुआ। तो जो सबसे बड़ा टाइम स्केल जियोलॉजिकल टाइम स्केल में यूज होता है, सबसे बिगेस्ट वन, दैट इज इयोन। इयोन का यूज हम एक बहुत लंबे टाइम पीरियड को रेफर करने के लिए करते हैं, मतलब प्लेनेट के बनने से लेकर के अभी तक का जो वक्त है, अगर हम उसे बहुत बड़े बड़े टाइम स्केल्स में बांटे तो एक
जो सबसे बड़ा टाइम स्केल बन पाता है उसे हम कहते हैं इयॉन, और इयॉन को हम डिस्कस करें तो पता चलेगा कि 3 या 4 इयॉन में कैटेगराइज कर सकते हैं अभी तक का जो पूरा वक्त है प्लैनेट के बनने से लेकर के, अगर कैटेगराइज करें तो। तो अब कौन कौन से इयॉन्स हैं अगर हम प्लैनेट के बनने से लेकर के अभी तक के वक्त को कुछ इयॉन्स में बांटें, तो सबसे पहला इयॉन जो आता है उसे कहते हैं हेडियन। हेडियन के बाद अगला जो है आर्कियन, और आर्कियन के बाद नेक्स्ट जो है उसे कह दिया जाता है प्रोटेरोजोइक। हेडियन है, आर्कियन है, प्रोटेरोजोइक है। और अगर आप इन इयॉन्स की बात करो तो इसके अंदर कुछ खास इवेंट्स नहीं हुए हैं। उसके बाद एक काफी बड़ा सा इयॉन है जिसके बारे में हम बात करते हैं, या जितने भी जूलॉजिकल इवेंट्स हैं वह इसी इयॉन के अंडर पढ़े जाते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट ए फेनेरोजोइक इयॉन। तो ये जो इयॉन्स की कैटेगराइजेशन है कुछ इस प्रकार से होती है। अर्थ के इस हिस्ट्री को हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में 4 इयॉन्स में क्लासिफाई करते हैं, जिसका नाम है हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक इयॉन। फर्स्ट 3 इयॉन्स मतलब कि हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक को कलेक्टिवली प्री कैम्ब्रियन इयॉन भी कहा जाता है। ये प्री कैम्ब्रियन इयॉन अर्थ की हिस्ट्री में एक हार्श और वायलेंट टाइम था। अर्थ के इवोल्यूशन टाइम स्केल में सबसे पहले आता है हेडियन इयॉन। अर्थ पर लाइफ के एविडेंस पाए जाने से पहले के टाइम को हेडियन इयॉन के नाम से जाना जाता है। इस टाइम में अर्थ का टेम्परेचर एक्सट्रीमली हॉट हुआ करता था, और फ्रिक्वेंटली कोलाइजन की वजह से अर्थ के ज्यादातर पार्ट मोल्टन स्टेट में होते थे। साथ ही एक्सट्रीम वोल्केनिज्म और शॉर्ट लाइफ्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थी। ये भी माना जाता है कि इसी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के दौरान हैवी बम्बार्डमेंट से मून का फॉर्मेशन हुआ, जब थिया नाम का मार्स साइज्ड ऑब्जेक्ट अर्थ से टकराया। इसके बाद आता है आर्कियन इयॉन। आर्कियन इयॉन आते आते अर्थ का क्रस्ट इतना कूल हो चुका था कि कॉन्टिनेंट के फॉर्मेशन शुरू हो गए, और इसी वजह से अर्थ के सरफेस पर ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन आर्कियन रॉक है, जिसका निर्माण आर्कियन इयॉन में हुआ था, और यह रॉक में सबसे पहले फॉर्म होने वाली रॉक सिस्टम थी। आर्कियन इयॉन के बाद आता है प्रोटेरोजोइक इयॉन। प्रोटेरोजोइक इयॉन में बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू किया, जिससे अर्थ पर लिविंग बींग्स फॉर्म होने लगे।
साथ ही फंगी के अर्लियर फॉर्म्स का फॉर्मेशन भी इसी टाइम के दौरान हुआ था। लेट प्रोटेरोजोइक इयोन में डोमिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया का एग्जिस्टेंस हुआ करता था। प्रोटेरोजोइक इयोन के बाद शुरू होता है फेनेरोजोइक इयोन का, जो अभी का करंट इयोन है। ये वही टाइम है जब अर्थ पर कॉम्प्लेक्स लिविंग बींग्स इवॉल्व हुए और डाइवर्सिफाई करते हुए डिफरेंट नीश में सेटल हो गए। इसके अलावा इसी इयोन में पेंजिया का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि बाद में लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में बाइसेक्ट हो गया। और इस तरह इस इयोन में ग्रेजुअली लैंड पर लाइफ का एक्सपेंशन शुरू हुआ और सारे फैमिलियर फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स और फंजाई एपियर और इवॉल्व होना शुरू हुए। साथ ही इस इयोन में बर्ड्स, जो कि डायनासोर के डिसेंडेंट्स हैं, और मोस्ट रिसेंटली मैमल्स भी इमर्ज हुए। और अगर मॉडर्न लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस की बात करें तो वो भी इस इयोन के मोस्ट रिसेंट फेस में ही इवॉल्व हुए हैं। ये जो फेनेरोजोइक इयोन है, इस पे हमने धरती में देखा कि लाइफ बहुत ही तेजी से इवॉल्व हुई। हमने इस फेनेरोजोइक इयोन में डायनासोर देखे, इंसियान भी इसी इयोन्स के हैं। आज के टाइम में हम लोग फेनेरोजोइक इयोन में जी रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक समझ लो, डायनासोर्स भी फेनेरोजोइक इयोन के थे, ह्यूमंस भी इसके ही हैं, बहुत सारे जो प्लांट लाइफ हैं वो भी इसके ही हैं। अब ये तो एक सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन होगा, इसके अंदर बहुत सारे सब डिविजन्स कर रखे हैं, बहुत सारी एरा बना रखी है। उसके अंदर पता लगता है कि हमको कि डायनासोर्स जुरासिक एरा के थे, हम ह्यूमंस कहाँ पे आते हैं, मेघालयन एज कौन सी है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, जो फेनेरोजोइक इयोन है इसे कैटेगराइज किया गया है कुछ स्मॉल स्मॉल टाइम स्केल में, जिसे कहा जाता है एराज। तो फेनेरोजोइक इयोन का सबसे पहला जो एरा होगा वो होगा पैलियोजोइक एरा। उसके बाद अगला जो फेस होगा उसे कह दिया जाएगा मीसोजोइक एरा, और फिर फाइनली आ जाता है हमारा जो रिसेंट एरा है वो, दैट इज कॉल्ड सीनोजोइक एरा। तो फेनेरोजोइक इयोन को डिवाइड किया गया है स्मॉल स्मॉल एराज में। फेनेरोजोइक इयोन इट इज कैटेगराइज इनटू थ्री डिफरेंट एराज, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। सबसे पुराना एरा, पुराना फॉर पी फॉर पैलियोजोइक, और फिर मिडिल एरा, मिडिल फॉर एम फॉर मीजोजोइक, और जो करंट एरा है जिसमें हम जिंदा हैं, करंट फॉर सी फॉर सीनोजोइक। सो सबसे पुराना
पैलियोजोइक, मिडिल वाला मीसोजोइक, करेंट वाला सीनोजोइक। अब इन एरास को आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया है कुछ स्मॉल स्मॉल पीरियड्स के अंदर। जैसे मीसोजोइक एरा का स्मॉल कैटेगराइजेशन है TJC, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। फिर पीरियड का कैटेगराइजेशन इपोक एंड इपोक का कैटेगराइजेशन एजेस। अब आप इस टेबल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाओगे। यहां पर लिखा हुआ है फेनेरोजोइक इयोन, ठीक है, ये हो गया इयोन। इयोन से छोटा होता है एरा। तो देखो फेनेरोजोइक जो इयोन है इसका एक छोटा सा पार्ट अभी जो चल रहा है वो है सीनोजोइक एरा। हम लोग जिस एरा में जी रहे हैं ये है सीनोजोइक एरा, ठीक है। अब देखो यहां पर आप यह भी नोटिस करोगे इसके नीचे लिखा हुआ है मीसोजोइक। जो आपने डायनासोर्स देखे हैं मूवीज में या म्यूजियम में वो मीसोजोइक एरा के हैं। तो अभी के लिए ये डिस्टिंक्शन कर लो हम ह्यूमन बींग्स कहाँ के हैं, हम हैं सीनोजोइक के। जो डायनासोर्स थे वो कहाँ के थे, वो थे मीसोजोइक के। और मीसोजोइक में आप देखोगे बहुत सारी यहाँ पे और पीरियड्स आपको दिखेंगे। ट्रायसिक पीरियड जो है ये आपको मीसोजोइक में मिलेगा, जुरासिक भी मीसोजोइक के अंडर मिलेगा। और यहाँ पर जो बहुत ही बड़े बड़े डायनासोर्स हुआ करते थे वो इवॉल्व हुए थे और धरती पर ये राज करते थे। तो अब देखो जो फेनेरोजोइक इयोन है उसका एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पे सीनोजोइक एरा। अब जो सीनोजोइक एरा है उसके भी बहुत सारे सब डिवीजन हैं, ठीक है। पहले सबसे बड़ा हो गया इयोन, इयोन से छोटा होता है एरा, फिर आता है पीरियड, तो उसमें यहां पे आता है क्वार्टरनरी, ठीक है। हम लोग क्वार्टरनरी पीरियड में हैं इस वक्त। और इसके बाद एक और डिस्टिंक्शन आती है, एक और क्लासिफिकेशन आती है, ये है इपोक। एक बहुत ही बड़े समय को हम कहते हैं इपोक, जबकि ये एरा और पीरियड से छोटा होता है। तो अगर हम वैसे देखें तो हम ह्यूमन्स बींग जो है हम सीनोजोइक एरा के होलोसीन इपोक में जी रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो इयोन चल रहा है ये है फेनेरोजोइक इयोन, फिर है सीनोजोइक एरा, फिर उसके बाद आता है क्वार्टरनरी पीरियड, फिर है होलोसीन इपोक। अब देखो जो होलोसीन इपोक है जिसमें इस वक्त हम जी रहे हैं, जहां पे ह्यूमन्स बींग्स ने काफी फ्लरिश किया, ये जो होलोसीन इपोक की बात हम कर रहे हैं तो इसका एक नया छोटा सा पार्ट है मेघालयन एज। तो मेघालयन एज शुरू हुई थी आज से 4200 साल पहले और इस वक्त हम मेघालयन एज में जी रहे हैं।
मेघालियन एज से कुछ साल पहले चल रही थी नॉर्थ ग्रिपियन एज, उससे पहले थी ग्रीनलैंडियन एज, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर रखा है। और ये क्लासिफिकेशन डिसाइड कर रखा है द इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी ने।